हाँ, ये तो मैं अपना एसी फिल्टर साफ करने का सोच रहा था, और इसको ना करना बहुत इजी है। चलिए, आपके ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स में यहाँ पे साइड में ये तो इसको प्रेस करना है साइड से, दोनों साइड से। यहाँ पे लॉक टाइप्स है साइड भी और लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसको आप एक साइड प्रेस करेंगे तो आपका ग्लव बॉक्स बाहर आ जाएगा, और इसके पीछे एसी फिल्टर होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ करना होता है, तो मैं पॉज करके बताता हूँ। ओके, तो एक बार ये निकल जाएगा आपका ग्लव बॉक्स तो ऐसे, और एक ग्लव बॉक्स के पीछे ये एसी फिल्टर है, और इसको खोलने के लिए ये जो नॉब है इसको प्रेस करके, ऐसे दोनों इसको प्रेस करके इसको खोल सकते हैं। तो ये आपका ये फिल्टर, इसको निकाल लो। ओफो, इतना गंदा होगा ये नहीं सोचा था, इसको साफ कर लेता। इसको झाड़ लो बस। पता नहीं क्या क्या गंदगी लगी हुई इधर। तो अभी क्लीन हो गया है, इसको वापस लगा देते हैं, स्लॉट में वापस डाल दो। और ये इससे आप देख लोगे कि वो सही है या नहीं है, वापस ये कवर लगाना है। तो ये लग गया वापस, और इसको कवर को लॉक करो बस। और एक और चीज़, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका एसी है एक्चुअली, जो आपके ग्लव बॉक्स में आता है, एयर कोल्ड जो आपका ग्लव बॉक्स होता है, तो उसकी कनेक्शन यहाँ से होती है। ये आपने ग्लव बॉक्स को वापस लगाने के लिए अगेन इनको प्रेस करके लगाना पड़ेगा दोनों साइड से। अगर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करोगे तो ये फिर से आगे स्लाइड हो जाता है अंदर आपका ग्लव बॉक्स। तो ईजी है ये फिल्टर चेंज करना, बस दो दो महीने में करते रहो तो बेटर है। मैं तो एटलीस्ट करने वाला हूँ।